जहां जेएमएम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नेता चुना, जिसके बाद चंपाई सोरेन के साथ हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी साथ में मौजूद थे। चंपाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना त्याग पत्र सौंपा। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से नई सरकार गठन के लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश किया गया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र भी सौंपा। राजभवन से इस्तीफा देकर बाहर निकलने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है और इसके साथ ही अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, तो सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। बता दें कि 7 जुलाई को शपथ ग्रहण होना है। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, हम उसे अमित बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम थोड़ा जोर से दादा, जोर से हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने दिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। तो आपने हेमंत दादा को सौंप दिया? वैसे मत करिए, हेमंत जी कुछ कहिए, कुछ बोलिए सर। आपने नई सरकार का दावा पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। देखिए ये तो होना ही था। ये जब हमारे नेता हेमंत बाबू जेल जा रहे थे तो चंपा चाकू दिए थे कि आप सीनियर हैं, गार्जियन मेरा है, आप संभालिए। फिर वो आ गए तो चंपा चा बोले कि ठीक है, अब आप आ गए हैं, अब आप ले लीजिए, बस यही। और कोई तो जो विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे, विपक्षी को भी दो शब्द बोल दीजिए कि क्या सोरेन अभी हम लोग 60 सीट जीतेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सोची समझी साजिश करके चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना और उसको प्रताड़ित करना, अपमानित करने की जो व्यवस्था भाजपा ने की थी, उनके मंसूबे चकनाचूर हो गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर अभी ये सरकार का गठन हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया है। वो बहुत ही मजे हुए और अच्छे नेता हैं, जमीन के नेता हैं। अब नए नेता के रूप में हेमंत बाबू ने जो है उनका नाम हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। हेमंता विश्व शर्मा जी सोशल मीडिया पर अरे इसे भाजपा का लोग क्या बोलेगा जी, आदिवासी का बेटा को झूठा केस में जेल भेज दिया और अभी इन लोग का पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग कुछ नहीं नाराज है कि नहीं है ये बताइए। देखिए चंपाई दा बड़े दिल वाले हैं, चंपाई दा सरकार के रक्षक हैं और चंपाई दा का शुरू से ही पार्टी के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति हमेशा आशीर्वाद रहा है। परिस्थितियां ऐसी आई थी, चंपाई दा ने बहुत बेहतरीन कार्यकाल को अंजाम दिया है। आने वाले दिनों में फिर हेमंत जी की अगुवाई में चुनाव लड़ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है। अब देखिए फिर से एक बार पुनः हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लगी है। राजभवन में चंपाई सोरेन ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। सर क्या ये कितना प्रभाव पड़ेगा आगामी दिनों में? देखिए महागठबंधन मजबूत है और आदरणीय चंपाई सोरेन जी की बड़प्पन है कि उन्होंने हमारे नेता को वापस से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है और निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से हम इंटैक्ट हैं। और हेमंत सोरेन जी के वापस मुख्यमंत्री बनने से निश्चित तौर पर जिस तरीके से झारखंड पहले काम कर रहा था, निश्चित तौर पर चंपाई सोरेन जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, आने वाले समय में हमें और मजबूती मिलेगी। अच्छा ये लगातार विपक्ष कर रही है कि चंपाई सोरेन के साथ सही नहीं हुआ, गलत हुआ, तो विपक्ष अपने पार्टियों को देखें, अपने पार्टी के सदस्यों को देखें, हमारे पे विचार देने वाले विपक्ष का कोई रोल होता नहीं है। हम अपना परिवार इंटैक्ट रखे हुए, हमारा परिवार इंटैक्ट है, वो अपने परिवार को देखें।
विधानसभा चुनाव में फिर से बहुमत 2019 का प्रयोग? बहुमत तो हमारा है ऑलरेडी और आने वाले आगामी चुनाव में भी होगा। कैमरा पर्सन सुनील स्वांसी के साथ रुचि शर्मा का सिस न्यूज रांची। और रांची से इस वक्त सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, जेल से बाहर आने के एक हफ्ते के भीतर ही हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी संभालने को तैयार हो गए हैं, और इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि विपक्ष को सोचने समझने का जरा भी मौका नहीं मिला। हेमंत सोरेन बाहर आए, उन्होंने नेतृत्व करने की बात कही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे हमारी क्या रणनीति होगी ये वक्त के साथ पता चलेगा। और इस तरह से ये चौंकाने वाला फैसला वाकई में विपक्ष के लिए ये एक चौंकाने वाला भी है और साथ ही टेंशन देने वाली बात भी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 30 जनवरी 2024 को पटकथा दिल्ली में लिखी गई और एक गठबंधन के नेताओं ने तय किया कि अगर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन दल का नेता कौन होगा, उसमें तय हुआ कि चंपई सोरेन सबसे उपयुक्त होंगे। उसके बाद 21 जनवरी को जैसे ही तत्कालीन सीएम को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने इस्तीफा सौंपा, उसके बाद चंपई सोरेन को गठबंधन दल का नेता चुना गया और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। कुल 153 दिन के मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में अपना योगदान दिए चंपई सोरेन, और 153 दिन के बाद उनसे फिर सत्ता सोरेन परिवार ने वापस ले ली और अब नए गठबंधन के नेता के रूप में हेमंत सोरेन को चुना गया। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने के दावे भी पेश कर चुके हैं और अब उन्हें जो कह सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह है 7 तारीख को दिलाया जाएगा, उसके बाद वो फिर से एक बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। हालांकि ये तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो तीसरी बार शपथ लेंगे। इससे पहले अर्जुन मुंडा ने 3 बार राज्य की कमान संभाली है, वहीं इनके पिता दिसीम गुरु शिबू सोरेन भी 3 बार राज्य की कमान संभाली है, 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और अब शिबू सोरेन के बेटे जो हेमंत सोरेन है वो भी 3री बार शपथ लेकर मुख्यमंत्री राज के बनेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं, जहां तक विपक्ष के मुद्दे की बात करें या विपक्ष को पता तक नहीं चलने दिया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पटकथा उसी टाइम लिखी जा चुकी थी जब इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की। हालांकि इससे पहले गुलाम अहमद मीर जेल में भी आकर हेमंत सोरेन से मुलाकात किए थे और उस समय भी इस तरह की चर्चाएं हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे, लेकिन जैसे ही जमानत मिली उसके बाद आप देखेंगी लगातार जो सभाएं होने लगी, लगातार लोगों से मिलने जुलने और जिस तरीके से विपक्ष पे हमलावर हुए, उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा, हेमंत सोरेन चेहरा होंगे, तभी इंडी ब्लॉक को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि इससे पहले आप लोकसभा चुनाव में भी देखेंगी तो हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही इंडी ब्लॉक ने झारखंड में प्रचार प्रसार किया, चुनाव लड़ा, और उसका फलाफल रहा कि जो इंडी गठबंधन 2 सीटों पर था वो 5 सीटों पर पहुंचा। सबसे अधिक फायदा जेएमएम को हुआ, जेएमएम की सिर्फ 1 सीट राजमहल थी और अब राजमहल के अलावा दुमका और सिंहभूम सीट जेएमएम के खाते में है। एक तरह से कह सकते हैं इसका फायदा मिला और इसको देखते हुए गठबंधन दल ने ये निर्णय लिया कि अब 2 पावर झारखंड में काम नहीं करेंगे, सिर्फ 1 पावर होगा, वो हेमंत सोरेन होंगे और हेमंत सोरेन के आधार पर ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। बिल्कुल राहुल, और देखिए, जेल से आते ही हेमंत सोरेन लगातार एक्टिव हो गए हैं, आभार यात्रा निकाली जाएगी उनकी तरफ से और शपथ ग्रहण 7 जुलाई को होना है, यानी कि एक के बाद एक बहुत कुछ झारखंड में होता हुआ नजर आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव भी है और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो 2-3 महीने का वक्त बचा हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो अभी जुलाई का महीना शुरू हो गया है और जुलाई के बाद अगर हम 3-4 महीने काउंट करेंगे तो अक्टूबर के मिड तक जो है आचार संहिता लगने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 3 जनवरी 2025 से पहले झारखंड में सरकार बनाना जरूरी है। उससे पहले 3 जनवरी के बाद जो कार्यकाल 3 जनवरी 2025 को पूरा हो जाएगा, तो उससे पहले राज्य में सरकार का गठन होना है। अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो 29 दिसंबर को राज्य में
सरकार बन चुकी थी, मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई हेमंत सोरेन शपथ ले चुके थे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां उस चुनाव के मद्देनजर गठबंधन कर रहा है। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इस पर पूरी तैयारी कर रहा है कि अब जो है हेमंत सोरेन परिवार जिस तरीके से टारगेटेड था विपक्ष को, वो विपक्ष फिर से हेमंत सोरेन परिवार को पूरे राज्य में भुनाने की कोशिश करेगा। और जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष की ओर से की जा रही उससे साफ होता दिखाई दे रहा है रश्मि कि अब जो है विपक्ष और भी एक्शन मोड में दिखेगा। हालांकि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के बाद गठबंधन में भी थोड़ी ताकत आएगी और अब गठबंधन में विपक्ष को घेरने के पूरे प्रयास में होगा, तो लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा। एक आरोप लगाएगा कि हमें जानबूझकर फंसाया गया, हमें राजनीतिक लाभ के लिए फंसाया गया, और एक जो विपक्ष है वो आरोप सत्ता पक्ष पे लगाएगा कि सिर्फ सोरेन परिवार लाभ की राजनीति करता है, अपने परिवार की राजनीति करता है। इन दोनों के बीच में फायदा किसका होगा ये तो विधानसभा चुनाव में और ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बीजेपी के हमले शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने ये तक कह दिया कि 3 से 4 महीने का इंतजार भी हेमंत सोरेन को नहीं हुआ, चंपई सोरेन के साथ गलत हुआ है और झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कहा है बीजेपी ने। देखिए अंदर खाने की जो बात है रश्मि, उसमें एक चीज निकल कर सामने आई है कि चंपई सोरेन इस बदलाव से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं और उनके जो विधायक हैं, उनके सहयोगी जो विधायक रहे हैं, जो कोल्हान क्षेत्र से आते हैं, कोल्हान क्षेत्रों में जो 6 विधायक गठबंधन दल के हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं, अंदर से दुखी चल रहे हैं, वो अपना दुख प्रकट सामने नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों का मानना था कि चंपई सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनका काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रहते हो रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए दबाव बनाया गया कांग्रेस की ओर से कि फिर से सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, नेतृत्व परिवर्तन होने से उनका जो काम आसानी से होगा और गठबंधन को लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो चंपई सोरेन का जो एक गुट है, एक जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनमें थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन ये मायूसी सामने दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक चीज निकल कर सामने आया कि जब विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुन लिया गया, जब अपने आवास चंपई सोरेन वापस आने लगे, उस वक्त चंपई सोरेन ने भावुक मन से हेमंत सोरेन से कहा कि जब राजभवन जाना होगा तो बता दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। हालांकि उनके भावुकता को देखते हुए गठबंधन दल के नेता हेमंत सोरेन और प्रदीप यादव दोनों लोग चंपई सोरेन के आवास गए और उनको अपने साथ लेकर राजभवन गए। एक तरह से कह सकते हैं कि पद एक बड़ा गरिमा पद होता है, राज्य के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे थे मुख्यमंत्री बनकर, लेकिन अचानक से बैठक हुई और उनसे पद छीन लिया जाता है, तो मन व्यक्ति के मन में थोड़ी टीस तो होती है, तो कहीं ना कहीं वो टीस दिखाई चंपई सोरेन के अंदर दे रही है। अब देखना यह होगा कि चंपई इनको किस स्थान पर सरकार में बैठाया जाता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही कि मंत्री पद जो है कि चंपई सोरेन नहीं लेंगे, उन्हें समन्वय समिति का अध्यक्ष या जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इन दोनों चीजों में चंपई सोरेन पे क्या फिट बैठेगा यह तो वक्त तय करेगा। फिलहाल सबसे बड़ी चीज ये है कि आप गठबंधन दल के नेता चुने जाने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन होंगे और विपक्ष इस मुद्दे को पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश करेगा। अब विपक्ष को इसका कितना लाभ मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा। बिल्कुल राहुल, और पिछले कुछ महीनों को अगर हम देखें जब से हेमंत सोरेन जेल में है, उस वक्त की अगर हम बात करें तो झारखंड में बहुत कुछ हुआ। उनकी पत्नी ने राजनीति में एंट्री की, कल्पना सोरेन ने जनता के बीच जाकर अपने मैसेज को पहुंचाया और अब वो विधायक भी हैं, तो बहुत कुछ बदला है। चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से झारखंड को संभाला, कई योजनाओं के साथ वो जनता के बीच गए, परिसंपत्तियों का वितरण उन्होंने किया, नई योजनाओं की शुरुआत की गई, तो ये बताता है कि झारखंड में किस तरह से महागठबंधन INDIA अलायंस की हम बात करें तो किस तरह से उसने काम किया है ताकि झारखंड की जनता को कहीं से कोई कमी महसूस ना हो हेमंत सोरेन की, इसका ख्याल भी पिछले दिनों रखा गया।
जी बिल्कुल रश्मि, लेकिन एक चीज हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे रश्मि की, जिस तरीके से झारखंड में सत्ता परिवर्तन हुआ है और जेल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब गए थे पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद एक राज्य में एक मैसेज देने का प्रयास किया गया था, उन्हें फंसाया गया है और सत्ता की लाभ के लिए उन्हें फंसाया गया, लेकिन अब विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। और एक चीज और इसमें रश्मि एक बात हम जोड़ेंगे कि जिस तरीके से जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने कमान ईडी गठबंधन में संभाली थी, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक जो सभाएं हो रही थी इंडिया ब्लॉक की, जो बैठकें हो रही थी, जो रैलियां हो रही थी, उसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही थी और उन्हें मौका भी दिया जा रहा था, वो वहां पे भाषण भी दे रही थी और झारखंड के विषय को अच्छी तरीके से रख रही थी। लोग ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन से अच्छे तरीके से जो है कल्पना सोरेन झारखंड की बातों और मुद्दों को लोगों के बीच पहुंचा रही हैं और उनकी लोकप्रियता भी झारखंड में बढ़ रही थी, लेकिन एक चीज अब यहाँ पर यह होगा कि जैसे ही मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, उसके बाद से जो कल्पना सोरेन का ग्राफ बढ़ा था वो अचानक से नीचे डाउन होगा, क्योंकि अब मौके उस तरीके के नहीं मिलेंगे जिस तरीके के मौके हेमंत सोरेन को जेल में रहते हुए मिल रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार में एक उभरता हुआ नेता कल्पना सोरेन थी, उन वो थोड़ी सी अभी नीचे आएंगी और अब बसंत सोरेन के भी भविष्य पे सवाल है कि क्या अगला जब मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें बसंत सोरेन को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पीछे 19 में जो सरकार बनी थी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए थे और राज्य चला रहे थे, उस दौरान सिर्फ सोरेन परिवार का एक ही व्यक्ति सत्ता में शामिल था, वो थे हेमंत सोरेन। यहाँ तक कि स्यूता सोरेन लगातार मांग करती रही कि उन्हें मंत्री बनाया जाए या मौका सरकार में दिया जाए, लेकिन लाख उन्हें कहे जाने पर नाराजगी के बाद भी सोरेन परिवार ने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को सरकार में मौका नहीं दिया। तो अब देखना यह होगा कि जैसे सरकार का गठन होगा, नेतृत्व तो बदलाव हुआ है, उसके बाद क्या सोरेन परिवार किसी अन्य व्यक्ति को भी सरकार में जगह मिलती है या बसंत सोरेन भी मंत्री मंडल से आउट होकर किसी बाहरी व्यक्ति को इन किया जाता है, इन सारी चीजों को भी देखना होगा, क्योंकि आने वाला समय झारखंड के लिए तो खास है, लेकिन ये सरकार नई सरकार में जो निर्णय होंगे वो सोरेन परिवार के लिए भी काफी खास होंगे और अहम होंगे। बिल्कुल राहुल, और चर्चा तो ये भी थी कि कल्पना सोरेन को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अब वो जिम्मेदारी क्या होगी ये भी देखना होगा। फिलहाल इंतजार करना होगा 7 जुलाई का, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद झारखंड की राजनीति किस तरह से बदलती है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।